हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पा यूनिकॉर्न। चलो आज बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे रंगोली। हमारे देश के तिरंगे का कलर है ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। उसे फॉलो करते हुए हम चाय छाननी से यहाँ कलर स्प्रेड करेंगे। देखिए, कलर बहुत ही सिंपल तरीके से स्प्रेड हो रहा है। तीनों कलर हम यहाँ स्प्रेड कर देंगे। देखिए, इतने में ही लुक कितना सुंदर आ गया है। इसकी बॉर्डर सेट करने के लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। देखिए, स्केल की मदद से हमने जस्ट कलर को नज़दीक लिया है, लाइन में लिया है, लेकिन फिंगर की हेल्प से लाइन सेट कर लीजिए। प्रॉपर होने के बाद इंडिपेंडेंस डे के लिए रंगोली है, तो इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से हम यहाँ पे इमेज सेट कर रहे हैं। सिर्फ ब्लैक कलर यूज़ करना है। इस इमेज को आप अगर प्रैक्टिस के तौर पे करना है तो पहले पेपर पे ड्रॉ करके स्केच कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको बनाना कैसा है और किस जगह पे आपको कैसी इमेज सेट करनी है। हमने यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर्स ले रहे हैं। बॉर्डर्स लेके जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमने कलर पूरी तरह से भर दिया हुआ है। सिर्फ ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं। पेड़ की डंडियाँ, यहाँ अभी हम छोटे छोटे पत्ते बनाएंगे, वो भी ब्लैक कलर से ही करने हैं हमें। तिरंगे के ऊपर जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो पूरी तरह से ब्लैक कलर की ही होगी। छोटे छोटे पत्ते सिर्फ आपको रंगोली छोड़ते हुए बस डालना है, एक एक डॉट्स। सिर्फ ध्यान में रखना है डॉट्स थोड़े लंबे शेप में आने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम एक पिंजरा बना रहे हैं। तो पिंजरे का शेप, उसका टाइप ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए, हम बर्ड बना रहे हैं। एक छोटी सी, सिर्फ एक सर्कल किया, पीछे लाइन दी और नीचे बाउल शेप देके हमने बर्ड का शेप ले लिया है। बहुत ही सिंपल और आसानी से आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। दिखने के लिए डिफ़िकल्ट रंगोली लगेगी, लेकिन आप जब बनाएंगे तब आपको भी लगेगा कि कितने सिंपल तरीके से हमने ये बना ली है। बर्ड का टाइप देखिए कैसे बना रहे हैं। एक स्लैंटिंग लाइन, सर्कल, फिर थोड़ा बाउल का शेप, नीचे थोड़ा टेल के जैसा या पूंछ के जैसा शेप देना है, उनके पंख बनाएं। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। छोटे छोटे दो पैर हमने दिखा दिए हैं। विंग्स का शेप थोड़ा चेंज करेंगे तो बर्ड का शेप चेंज लगेगा। दो तीन बर्ड सेम टाइप के और एक दो थोड़े से डिफरेंट। यहाँ पे इसकी बॉर्डर जो है हम ब्लैक डॉट्स लगा रहे हैं। फेविकोल की बॉटल की मदद से आप डॉट्स लगा सकते हैं या फिर हाथों से भी डाल सकते हैं।
उनके बीच में हमने ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है, अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं ब्लैक ब्लू, सिर्फ ब्लू पे हम वाइट कलर सिंगल डॉट्स डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए मिरर ग्लास यूज़ कर रहे हैं हम, ब्लू पे हमने वाइट डॉट लगाए और ब्लैक पे हम, सिर्फ ब्लैक पे हम मिरर ग्लास लगा रहे हैं सर्कल शेप के। यहाँ से हमारी बहुत ही सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव रंगोली रेडी हुई है। ये इंडिपेंडेंस डे रंगोली आप रंगोली कॉम्पिटिशन्स में या ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में इजीली बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स एंड सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ऐसे ही कुछ नए वीडियोस हम फिर लेके आएंगे जिससे आप कुछ नया सीख सकें। थैंक यू।